सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का एक और धमाकेदार गेम प्ले वीडियो में। गाइस पिछली एक्चुअली वीडियो में हमने अपने लिए एक छोटा सा घर बनाया था, लेकिन गाइस अभी हमारे पास फूड की काफ़ी ज़्यादा कमी है। सो गाइस आज की इस वीडियो में हम अपने लिए खेती करने वाले हैं और आसपास किसी विलेज को भी ढूंढेंगे ताकि हम विलेज को लूट पाएँ और हमारे पास थोड़े रिसोर्सेज आ सकें, कि हमारे पास अभी रिसोर्सेज की काफ़ी ज़्यादा कमी है। सो पहले सबसे पहले खेती के लिए भाई अपने इक्विपमेंट्स रेडी करते हैं और खेती करने के लिए चलते हैं। सो खेती करने के लिए मैंने टूल्स बना लिए हैं। अब मुझे ये नहीं पता है कि भाई मैं खेती करने की स्टार्टिंग कहाँ से करूँ, क्योंकि मुझे नदी के पास पानी चाहिए और पानी के आसपास खेती करना काफ़ी सही रहेगा। यहाँ पर ये जगह ठीक नहीं है, तो मुझे खेती करने के लिए ये जगह ठीक है, यहाँ पर मैं एरिया को क्लीन कर सकता हूँ। गाइस अभी मेरे पास फूड की कमी है और विदाउट फूड अगर मैं माइनिंग के लिए गया तो मॉब्स के साथ फाइट होगी, जिसके बाद फील करने के लिए मेरे पास कोई चीज़ नहीं होगी, तो हम प्रॉब्लम में आ सकते हैं। तो इसलिए मैं थोड़ा खेती कर अपने लिए खाना जमा कर रहा हूँ। तो पहले इस बेकार की घास को हटाते हैं यहाँ से, और यहाँ पर मैं अभी वीट उगाने वाला हूँ। मेरे पास अभी सिर्फ वीट के सीड्स हैं, बाकी चीज़ों की सीड्स मेरे पास नहीं हैं। जब बाकी चीज़ों की सीड्स आ जाएंगी तो भाई हम और खेती भी करेंगे, लेकिन अभी मैं शायद आप विलेज ढूंढने जाएंगे, इसके बाद विलेज में हमें और सीड्स मिल सकते हैं और भाई वहाँ पर बहुत सारी ही बेल्स मिलेंगी, जिससे हम ब्रेड बना पाएंगे और चीज़ें क्राफ्ट कर पाएंगे, तो उससे हमारी काफ़ी ज़्यादा हेल्प होने वाली है। सो अभी इतना एरिया ये ठीक रहेगा, तो जल्द से जल्द मैं वीट लगा देता हूँ यहाँ पर। तो दिखने में भाई ये शेडर्स और रिसोर्स पैक से भाई गेम काफ़ी ज़्यादा कमाल का लग रहा है। हाँ गाइस, मैंने पिछली वीडियो में काफ़ी सारे सेडर्स प्रोवाइड किए थे लेकिन रिसोर्स पैक नहीं प्रोवाइड किए हैं, तो जल्दी रिसोर्स पैक के ऊपर वीडियो आने वाली है। जिस जिसने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो गुड मॉर्निंग गाइज। सो कल मैंने भाई खेती करने के बाद थोड़ा बहुत कोल माइनिंग किया ताकि भाई मैं आगे अंडरग्राउंड माइनिंग के लिए जा सकूँ, लेकिन गाइज आज मैं जा रहा हूँ किसी विलेज को ढूंढने के लिए। अभी पानी में क्या कर रहा हूँ, अंडरग्राउंड माइनिंग करने के लिए भाई मुझे काफ़ी सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। अभी वो चीज़ें मेरे पास नहीं हैं, सो मुझे भाई उन सभी चीज़ों को कलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि ना मैं किसी विलेजर के ऊपर अटैक कर दूँ और वहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें कलेक्ट कर लूँ, उसके बाद मैं अंडरग्राउंड माइनिंग करने के लिए मेरे पास काफ़ी सारी चीज़ें होंगी, काफ़ी सारी ब्रेड होगी और आयरन आर्मर भी मिल सकता है, क्योंकि मैं विलेज के अंदर आयरन गोलम मिलेगा, आयरन गोलम को मार कर भाई मैं आयरन का आर्मर बना सकता हूँ अपने लिए। तो फिर अभी मैं थोड़ा फूड कलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि भाई फूड की मेरे पास अभी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है, तो फूड मैंने कलेक्ट कर लिया है। तो अभी मेरा मेन गोल होने वाला है किसी विलेज को ढूंढना, तो चलते हैं किसी विलेज को ढूंढते हैं। तो विलेज को ढूंढते हुए मुझे काफ़ी टाइम हो गया, अभी ये तो मेरे घर के पास ही में था। सो गाइस हमें एक छोटा सा विलेज मिल चुका है, उस साइड से मैं आता, उस साइड मेरा घर है और की रहा विलेज। भाई मुझे लगा नहीं था मुझे इतना ज़्यादा टाइम लग जाएगा विलेज को ढूंढने में, भाई काफ़ी ज़्यादा देर तक ढूंढने के बाद मुझे ये छोटा सा विलेज मिला है। तो भाई इस विलेज को लूटने में सच में मज़ा आएगा, लेकिन मैं इस विलेज को बाद में लूटने वाला हूँ, क्योंकि रास्ते में आते वक्त मुझे एक छोटा सा नेदर पोर्टल भी दिखा था। सो मेरे घर के पास काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो भाई पहले उस नेदर पोर्टल के पास चलते और देखते कि असल में उस नेदर पोर्टल के पास चेस्ट मिल जाए और उस चेस्ट में पता नहीं मुझे डायमंड मिल जाए या गोल्ड का आर्मर मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा। तो अभी जल्द से जल्द पहले मैं उस नेदर पोर्टल के पास चलता हूँ, क्योंकि नेदर पोर्टल है वो ज़्यादा दूर नहीं है। तो ये यहाँ पर है भाई हमारा एक छोटा सा नेदर पोर्टल, और यहाँ पर ज़्यादा चीज़ें तो नहीं है, लेकिन ये एक्टिवेट नहीं है, मुझे बस एक और दो ब्लॉक की ज़रूरत पड़ने वाली है इसको स्टार्ट करने के लिए। एक ब्लॉक तो यहीं पर है, लेकिन मेरे पास भाई डायमंड पिकेक्स नहीं है, तो विदाउट डायमंड पिकेक्स हम इसको ऑब्सीडियन को माइन नहीं कर सकते हैं, तो हमें ऑब्सीडियन माइन करने के लिए डायमंड पिकेक्स की ज़रूरत होगी, और हमारे पास अभी एक भी डायमंड नहीं है, तो विलेज को जाकर लूटना पड़ेगा। तो मुझे नहीं लगता है कि भाई उस विलेज में कुछ खास होगा, क्योंकि भाई वो डेजर्ट एरिया में है और डेजर्ट एरिया की विलेजेस में ज़्यादा लूट नहीं मिलती है। सबसे ज़्यादा लूट मिलने के चांस होते हैं जब हम स्नो एरिया की विलेज को लूटते हैं या फिर हम दूसरे विलेज को लूटते हैं, डेजर्ट एरिया की विलेज में काफ़ी कम चीज़ें मिलती हैं। तो ये पंपकिन मैंने माइन कर ली है, अभी चलते हैं सीधा वापस विलेज के अंदर। तो ये गाइस देखो दिखने में कितना प्यारा लग रहा है ये विलेज, और भाई यहाँ पर इन्होंने मेरे लिए काफ़ी सारे फूड का इंतज़ाम भी कर रखा है, यहाँ से मैं काफ़ी सारा फूड भी कलेक्ट करके ले जा सकता हूँ, और यहाँ से मैं विलेजर्स को भी उठा के ले जाऊँगा अपने लिए भाई उन्हें स्लेव बनाने के लिए। सो सच में ये काफ़ी बुरा है। अभी ये क्या एक पी के बाहर एक अंदर रुक जा बाहर घूम रहा है,
ये यहाँ पर पोर्शन स्टैंड है, लेकिन भाई नेदर में मुझे जाना पड़ेगा उसके लिए, और पता नहीं भाई क्या क्या चीज़ें कलेक्ट करनी पड़ेगी। तो पोर्शन स्टैंड का अभी मेरे पास कोई खास काम नहीं है, क्योंकि बिना ब्लेज पाउडर के पोर्शन स्टैंड का मैं कोई यूज़ ही नहीं कर सकता हूँ। तो इस ब्लेजर को उठाते हैं और सोते हैं, क्योंकि यहाँ पर भाई अंधेरा होने चुका है, और देखते हैं कि अगले दिन हमें क्या करना है। तो वापस चलता हूँ और मैं सो जाता हूँ। अबे उठ जाए यहाँ से, कार्टोग्राफ कर रही है शायद। गुड मॉर्निंग गाइस, विलेज के अंदर हमारी पहली सुबह है, और भाई हमें ये विलेज काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। लेकिन इस विलेज के अंदर मुझे ज़्यादा लूट नज़र नहीं आ रही है। यहाँ पर भाई एक भी ब्लैक स्मिथ नहीं है जो भाई वेपन्स क्राफ्ट करता है, तो हमें यहाँ पर डायमंड तो नहीं मिलने वाले हैं। क्यों ना मैं इन विलेजर्स को कलेक्ट कर एक आयरन फॉर्म बनाऊँ। अभी मेरे पास आयरन की बहुत ज़्यादा कमी है, लेकिन भाई मुझे उसके लिए पहले थोड़ा आयरन माइन करना पड़ेगा, और वो सब करने वाला हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। सो भाई ये छोटी सी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और हाँ, मैं नेक्स्ट वीडियो में या एक या दो दिन में मैं जल्दी आपको भाई रिसोर्स पैक प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो जो भाई ये रिसोर्स पैक का वेट कर रहे हैं, उनका थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, उसके लिए सॉरी। लेकिन भाई मैं आपको बिल्कुल बहुत ही अच्छे रिसोर्स पैक प्रोवाइड करने वाला हूँ, तो थोड़ा सा वेट करना तो बनता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर कीप वॉचिंग।